देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। फायर सिस्टम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। आज दीपावली है, दीपावली को लेकर कई जगह से आग लगने की घटनाएं सामने आती है, लेकिन जो फायर सिस्टम है वो पूरी तरीके से तैयार है। बिहार अग्निशमन सेवा जो ये देख रहे हैं, ये गाड़ी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। सारे गाड़ी यहाँ पर तैयार है और ये हाइड्रोलिक गाड़ी है। जो पटना जो होटल में जो आग लगी थी, 100 लोगों से ज़्यादा से अधिक जान बचाई थी, इसी गाड़ी ने जान बचाई थी। लेकिन फायर सिस्टम जो आज जो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, छोटी से बड़ी गाड़ी की भी तैयारी कर ली गई है पूरे तरीके से। अगर गली मोहल्ले अगर कहीं पर भी आग की घटना सामने आती है तो आप फायर सिस्टम को इन्फॉर्मेशन करें और वो वहाँ पर तुरंत पहुँचेंगे। लेकिन इस बीच फायर सिस्टम के कमांडेंट मनोज कुमार क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। फायर ब्रिगेड से आप जैसा कि जाना है कि शहर के अंदर नासिक से लेकर और गाय घाट तक काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, तो उनके आने जाने के जो मार्ग है, जहाँ जहाँ अग्नि के सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील है, उस सारे स्थानों पर हम लोगों ने गाड़ियाँ चिन्हित करके लगाने का ये किया है, चिन्हित किया है। दूसरी जो ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े लेवल पर लोगों का श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है, जैसे मसौरी के क्षेत्र है, बाढ़ के क्षेत्र है, कुछ बिहटा का क्षेत्र है, वहाँ पर भी हम लोगों ने उस मार्ग में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा उपयोग हो रहा है या इलेक्ट्रिक पैनल लगा है, डीजी लगा हुआ है, जहाँ पर जमावड़ा है, वहाँ पर हम लोग भारी मात्रा में गाड़ियों को प्रतिबंधित कर रहे हैं। तीसरी है कि एक और प्रॉब्लम इसमें होती है कि पटाखों से प्रॉब्लम होती है, तो जितने पटाखे हैं की दुकान है, अभी हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी और मेरे अभी सामान्य पदाधिकारी संयुक्त रूप से लगातार छापामारी कर रहे हैं, ताकि पटाखों का जो है जो लाइसेंस नहीं है जिनको, वो उनके स्तर से अनावश्यक रूप से वितरण नहीं किया जाए, जिससे कोई अग्निकांड की घटना हो जाए। दूसरी कि जहाँ पर लोग का जमवाड़ा रहेगा वहाँ पर पटाखों से उड़ाने का रहता है, उसमें हम लोग चिन्हित करके जो गंगा घाट है वहाँ पर हम लोग गाड़ी भी प्रस्तुत कर रहे हैं, और हमारे अग्निशमन जो कर्मी हैं और वो भी अपने फायर इंस्टिग्विशर्स के साथ हम लोग लोगों के बीच में एक बूथ बना बना कर उन लोग रखा जा रहा है, कंट्रोल रूम जो बना हुआ है वहाँ भी रखा है, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना के अंदेशा संदेह या होने पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए अग्नि से सुरक्षा और बचाव को सुनिश्चित किया जा सके। टोटल कितने टीमें लगाई जाएंगी? टोटल हम लोग की लगभग 55 से 60 टीम यहाँ पर लगाई जाती है, और आवश्यकता अनुसार इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। अभी आधी फील्ड वर्क हम लोगों ने घाट का पूरा निरीक्षण किया है सभी जगहों पर, और सभी का जो है पहुँच पथ, घाट के पहुँच पथ को भी हम लोगों ने चिन्हित किया कि किस पहुँच पथ से कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, तो ये सारी चीज़ चिन्हित करके उसके हिसाब से नियंत्रण कक्ष भी बना रहे हैं और वाहनों की प्रस्तुति हम लोग कर रहे हैं, और संभवतः आज हम लोग प्रस्तुति कर भी लेंगे। सर बाइक से जो फायर है, बहुत सारा रास्ता है, संकीर्ण गलियों में यदि कोई घटना हो जाती है, तो हमारा मिस टेक्नोलॉजी बाइक है, जो 12 मिस टेक्नोलॉजी बाइक है, वो घटने पर तुरंत पहुँचती है और तुरंत कार्रवाई करती है, और उसी दौरान हमारी जो मिस्ट वाटर टेंडर है जो 300 से 500 लीटर की होती है, उसको हम तुरंत भेजते हैं, वो कार्रवाई करती है। बड़ी गाड़ी जाती है तब तक हमारी बड़ी गाड़ियों का जो वाटर टेंडर है 6000 लीटर और 12000 लीटर का, उसमें हॉज पाइप जोड़कर हम लोग रिले करते हैं और प्रेशर पंप के माध्यम से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जहाँ पर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पहुँचा कर हम लोग बड़े आगों में कार्रवाई करते हैं। तो आपने साफ तौर पर कमांडेंट मनोज कुमार के बयानों को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो फायर सिस्टम को लेकर कहीं से भी आग लगने की जो घटनाएं जो सामने आती है, उसको लेकर पूरी तरीके से जो है यहाँ पे तैयारी कर ली गई है, और ये जो गाड़ी है, छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी, सभी गाड़ी यहाँ पे तैयार कर ली गई है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कार्यालय है ये राज्य अग्निशमन पदाधिकारी बिहार पटना है ये, और ये जो फायर गाड़ी जो देख रहे हैं ये सीधे हाइड्रोलिक गाड़ी है। ये हाइड्रोलिक गाड़ी अगर कहीं पे बड़े होटल या कहीं पे भी आग लगने की घटना या किसी मोहल्ले में आग लगने की घटना सामने आती है, तो ये गाड़ी वहाँ पे पहुँचेगी और वहाँ पे सुरक्षित जो है आग को काबू में कर लिया जाएगा। और छोटी गाड़ी जो कि छोटे मोटे गली में अगर गाड़ी अगर लग जा आग लग जाती है, घटना सामने आती है, तो क्विक बाइक भी यहाँ पे वो रखा गया। आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं, क्विक बाइक वहाँ पे है, और ये छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी सभी गाड़ी यहाँ पे बिहार अग्निशमन जो है उसके तरफ से ये पूरी तैयारी कर ली गई। दीपावली है, दीपावली को लेकर कहीं कहीं से ये घटनाएं सामने निकल कर आती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। मैं सिंह पटना, नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह RPIA प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है, और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूँ। प्रणाम।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।